एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शन टू इसके सिक्स पार्ट्स हमें गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग यहाँ पर जो है थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास है क्या ठीक है तो इसके लिए हमने क्या करना होगा जे लेट ए पी एन सी ये हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं ठीक है थ्री क्वांटिटीज हैं दैट इज रिलेटेड टू दैट इज रिलेटेड टू ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी तो इसमें जो हमारे पास सी जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा ठीक है ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन हो गई अब जो है हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं जिसमें हमारे पास गिवन है सिक्स एंड ट्वेल्व तो सेम वे से लिखेंगे हमारे पास ये क्या आ जाएगा ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी तो ए हमारे पास यहाँ पे सिक्स है और बी हमारे पास यहाँ पे 12 है तो आ जाएगा सिक्स रेशो ट्वेल्व प्रपोशन टू टल्व रेशो सी तो हमने जो है इसमें पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है तो वो वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा ये सेंटर वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास क्या होगा ये जो साइड्स वाली वैल्यूज़ होंगी इनका आपने क्या करना है होगा प्रोडक्ट ले लेना है तो ये आ जाएगा फर्दर हमारे पास सिक्स मल्टीप्लाय है सी दैट इज़ इक्वल टू ट मल्टीप्लेब है ट्वेल्व तो C की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो C को इधर ही रहने दें C दैट इज़ इक्वल टू ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व ओवर क्या आ जाएगा सिक्स सिक्स वन टाइम्स सिक्स टू टाइम्स C जो हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट हो गया ठीक है इसका जो है अब हम सेकेंड पार्ट ले लेते हैं सेकेंड पार्ट गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वे से लिखेंगे हम लोग इसको भी ए क्यू रेशो थ्री ए स्केयर प्रपोशन थ्री ए स्केयर रेशो सी तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट ऑफ मेन दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये वाला मेथड अप्लाई कर देंगे हम लोग इसके ऊपर तो ये हमारे पास एक्सट्रीम आ जाएगा ये हमारे पास मेन आ जाएगा तो ए क्यू मल्टीप्लाय है सॉरी पहले हमने यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मेन थ्री ए स्केयर मल्टीप्लेब है थ्री ए स्केयर दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए क्यूब मल्टीप्लेब है सी सी हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है तो सी को इधर ही रहने दें दैट इज इक्वल टू ये वाला जो हमारे पास ए क्यूब है इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो थ्री ए स्केयर मल्टीप्लेब है थ्री ए स्केयर और ए क्यूब अब ए क्यूब को जो है हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज इक्वल टू ए स्केयर मल्टीप्लाई बाय ए तो इसको जो है हमने स्प्लिट करके लिख लेना है यहाँ पर फर्दर हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू थ्री ए स्केयर मल्टीप्लाई बाय थ्री ए स्केयर ओवर ए स्केयर डॉट ए तो ए स्केयर से एक ए स्केयर कैंसल आउट हो जाएगा और इसी तरह इधर से एक ए जो है इस ए में से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सी की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी थ्री थ्री जन नाइन ए ठीक है तो ये जो है हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थर्ड प्रोपोर्शन की थर्ड पार्ट है तो थर्ड पार्ट को भी सेम वे से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर रेशो ए माइनस बी ठीक है प्रोपोर्शन पोशन ए स्केयर माइनस सॉरी ए माइनस बी और थर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा सी ठीक है तो ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन आ गया अब फर्दर जो है अगेन हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये वाला मेथड अप्लाई कर देना है हमने तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास ये आ जाएगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू सी इन टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर अब जो है हमने क्या करना है ये वाला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा फर्दर जो है हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी ए माइनस बी ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर दैट इज इक्वल टू सी तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी ए माइनस बी ए प्लस बी तो ये वाला अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर तो C जो है हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी ए माइनस बी और ए माइनस बी एंड ए प्लस बी ठीक है तो ये जो अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा ये हमने इस पर अप्लाई कर दिया अब जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं उनको हमने कैंसिल कर देना है रिमेनिंग हमारे पास सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या है जी ए माइनस बी और ए प्लस बी ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई फोर्थ पार्ट है इसके बाद तो इसमें भी हमने जो है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है तो उसका लिखने के मेथड हम स्टार्ट में ही पढ़ चुके हैं तो वैसे इसको अब लिख लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स माइनस वाई होल स्केर रेशस क्यू माइनस वाई क्यू प्रोपोर्शन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रेशो सी सी हमारे पास यहाँ पर क्या है थर्ड प्रोपोर्शन है इसको सेम वे से हमने लिखा है जी ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी ये हमारे पास ए है ये हमारे पास बी है तो सी हमने यहाँ से क्या करना है फाइंड आउट करना है तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मेन ठीक हो गया तो प्रोडक्ट डेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन तो सी इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्ट इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और सेकेंड हमारे पास अगेन एक्स क्यू माइनस क्यूब ठीक है ये वाली जो है राइट right साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो c इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और x क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर x माइनस वाई होल स्क् तो अब जो है हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे ऊपर जो हमारे पास फार्मूलाज गिवन है एक्स क्यू माइनस वाई वाले दोनों वो हम ओपन करके लिख लेंगे ठीक है तो वो हमारे पास आ जाएगा जी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्यर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर ये एक हमने ओपन कर लिया और इसी तरह सेकेंड वाला ओपन करेंगे वो आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्केयर को जो है हम स्प्लिट करके लिख देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई तो अगर आप देखें यहाँ पर ऊपर भी एक्स माइनस वाई नीचे माइनस वाई कैंसल आउट हो जाएगा और इसी तरह ये वाला एक्स माइनस वाई और ये वाला एक्स माइनस वाई भी कैंसल आउट हो जाएगा तो जो हमारे पास यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर ठीक है और एक वैल्यू ये गिवन है तो इसको वन प्लस वन करेंगे तो ये हमारे पास पावर क्या जाएगी इसकी टू आ जाएगी तो ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट हो गया क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट है तो अगेन जो है इसको अब हमने क्या करना है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो हमारे पास मेथड गिवन है ये हमारे पास ए वाली वैल्यू है ये हमारे पास बी वैल्यू है तो उसको लिखेंगे ए यानी कि एक्स प्लस होल स्क्वायर रेशो एक्स केयर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्के प्रोपोर्शन एक्स केयर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाइस केयर रेशो सी ठीक है ये थ्रू डेफिनेशन थर्ड प्रोपोर्शन ये हमने वैल्यूज लिख लेनी है अब हमने क्या करना है अब अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मेन ठीक है इसको ले लेंगे ये दोनों साइड जो हैं इक्वल होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन सही है तो ये आ जाएगा जी सी इंटू एक्स प्लस वाई होल स्केयर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्केयर ठीक है एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्केयर आ जाएगा अब फर्दर हमने क्या करना है ये वाली जो वैल्यू है x प्लस वाई होल स्केयर इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो मैं जो है इसको डायरेक्टली यहीं पर ही डिवाइड कर देता हूँ डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्केयर हो जाएगा ठीक है यहाँ तक क्लियर है किसी चीज़ की नहीं आई तो इसको दोबारा से देख लें आप लोग अब फर्दर जो है हमने क्या करना होगा उसको थोड़ा ये अरेंज करके लिख लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्केयर और इसका होल स्केयर बन जाएगा क्योंकि हमारे पास ये पावर वन है ये पावर वन है तो जब बेसिस सेव होती हैं प्रोडक्ट में तो पावर्स हमने क्या करनी होती है वहाँ से ऐड करनी होती हैं तो डिवीजन में हमारे पास यहाँ से आ जाएगा जी एक्स प्लस वाई होल स्केयर तो अब जो है अगर हम यहाँ से देखें जो हमारे पास ये माइनस टू वाई स्केयर है इसको जो है हम ओपन करके लिख लेते हैं ठीक है ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको एंड में पता चलेगा तो ये आ जाएगा एक्स स्यर माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर होल स्केयर ओवर एक्स प्लस वाई होल स्केयर हो जाएगा फर्दर अब देखें तो यहाँ से जो है हमने क्या करना होगा फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर जो है हमारे पास क्या है फार्मूला बन रहा है कौन सा फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला तो वो अप्लाई कर देते हैं तो यहां से जो हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर होल स्केयर ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर फर्दर आप देखें ये वाली जो वैल्यूज हैं इसमें से हमने वाई कॉमन ले लेना है तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो माइनस वाई यहाँ से कॉमन फर्दर हमारे पास यहाँ से क्या रह गया एक्स प्लस वाई ठीक है क्लियर है कॉमन वाला होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अब देखें यहाँ पर ये x y और ये वाला x y दोनों में है तो अगेन हमने यहाँ से कॉमन ले लेना है ठीक है तो वो जो है हमारे पास आ जाएगा x y कॉमन आ गया फर्दर यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या रह गई x y एंड y ठीक है स्केयर जब हम अप्लाई करेंगे तो वो इस पर भी स्केयर अप्लाई हो जाएगा और जो होल हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है उस पर भी क्या होगा स्केयर अप्लाई हो जाएगा ठीक है ओवर एक्स प्लस वाई होल स्केयर तो अब यहाँ से देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं एक्स प्लस वाई होल स्केयर ये ऊपर भी गिवन है और एक्स प्लस वाई होल स्केयर ये नीचे भी गिवन है ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी एक्स माइनस टू वाई होल स्केयर तो ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई अगर इस क्वेश्चन में किसी भी चीज़ की संबंधी आई तो आप लोग वीडियो को यहाँ से रिपीट करके देख लें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट पार्ट है तो ये जो है हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा जी प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं इसको पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर और पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी माइनस क्यूब और पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर प्रोपोर्शन p माइनस क्यू और पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर थर्ड प्रोपोर्शन जो है हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं जी अब एक्स ले लेते हैं ठीक है तो अगेन वही मेथड अप्लाई करना है ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये हमारे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन क्लियर है यहाँ तक अब जो है हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है यहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीम लिख लेते हैं एक्स मल्टीप्लाय पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर और पी प्लस क्यू दोनों गिवन है दैट इज इक्वल टू पी माइनस क्यू और ये स्केयर में हो जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू बेसिस सेम होंगी तो पावर्स हमने ऐड करके लिख देनी है और इसी तरह नीचे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा पी स्केयर माइनस एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा ठीक है तो अब जो है हमने क्या करना है ये वाली वैल्यू जो है इधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है तो जब राइट right साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसको इनवर्स लेके क्या कर देंगे अगेन क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये राइट right साइड पर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगी इनवर्स में लिखी जाएगी ठीक है तो यहाँ से जो है हमारे पास x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू होल स्केयर ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय पी क्यू प्लस क्यू क्यूब और पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर तो जो हमारे पास कंप्लीट फार्मूलाज बन रहे हैं उनको हमने ओपन कर लेना है ठीक है तो इधर जो है हमारे पास पी क्यू माइनस क्यू क्यू वाला फार्मूला है इसको ओपन करके लिखते हैं तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर आ जाएगा ठीक है और डिवीजन में हमारे पास गिवन है जी ए स्केयर माइनस पी स्केयर वाला फार्मूला तो यहाँ पर p है तो ये एक दफा आ जाएगा p प्लस क्यू और सेकेंड टाइम हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा p माइनस क्यू आ जाएगा ठीक है और ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिख लेनी है यहाँ पे तो अब अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास जो है पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी ठीक है और इसी तरह इधर जो है हमारे पास गिवन है पी माइनस क्यू और इधर स्केयर में गिवन है तो ये वाली एक वैल्यू इधर से एक वैल्यू से कट हो जाएगी तो हमारे पास जो है अब अगेन यहाँ पर क्या है जी पी प्लस क्यू और ये वाला पी प्लस क्यू ये भी क्या होगा यहाँ से कट हो जाएगा तो एक्स की जो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी पी माइनस क्यू तो ये हमने क्या किया थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली होप सो आप सब लोगों को यहाँ तक क्वेश्चंस की समझ आई होगी और मेरे चैनल को जो है अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो जाए क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू इसके भी हमारे पास सिक्स पार्ट गिवन है अब हमने क्या करना है यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है फोर्थ प्रोपोर्शन की यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें जो है हमारे पास सेलेक्ट करेंगे कि ए बी सी एंड डी ये जो है हमारे पास फोर क्वान्टिटीज़ हैं दैट इज़ रिलेटेड टू रिलेटे टू ए रेशो बी प्रपोर्शन टू सी रेशो डी तो इसमें जो है हमारे पास डी जो होगा वो क्या कहलाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाएगा ठीक हो गया क्लियर है तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट गिवन है जिसमें हमारे पास थ्री क्वांटिटीज़ हैं फाइव एट एंड फिफ्टीन और फोर्थ जो प्रोपोर्शन है वो जो है हम क्या करते हैं फोर्थ नंबर जो है या फोर्थ क्वांटिटी जो है वो हम क्या करते हैं जी एक्स ले लेते हैं ठीक है तो इसको प्रोपोर्शन में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा फाइव रेशो एट प्रोपोर्शन फिफ्टीन रेशो एक्स तो x जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है फोर्थ प्रोपोर्शन है जो कि हमने फाइंड आउट करना है तो सेम वे से करेंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर वन किया है इसमें क्या होगा जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन तो फाइव एक्स दैट इज़ इक्वल टू एट मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन तो x हमने फाइंड आउट करना है तो एट मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन और फाइव कर देंगे फाइव वन टाइम्स फाइव थ्री टाइम्स तो यहाँ से फर्दर x की जो वैल्यू आ जाएगी आई जा ट्वेंटी फोर तो ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट हो गया सेकेंड पार्ट है जिसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन है फोर एक्स रेज टू पावर फोर टू एक्स क्यूब एंड थर्ड वन जो है हमारे पास गिवन है एटीन एक्स रेज टू पावर फाइव तो इसमें भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स ठीक है जो कि हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे ले लेंगे जी फोर एक्स रेस टू पावर फोर रेशो टू एक्स क्यू प्रोपोर्शन एटीन एक्स रेस टू पावर फाइव रेशो एक्स आ जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय सॉरी so, एक्स ना लें आप लोग यहाँ पर चेंज कर लें क्योंकि एक्स ऑलरेडी गिवन है तो वो मिक्सअप हो जाएगा यहाँ पर जो है आप लोग डी ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा डी मल्टीप्लाई बाय फोर एक्स रेज टू पावर फोर दैट इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाय है एटीन एक्स रेज टू पावर फाइव तो ये वाली वैल्यू जो है राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा d इज इक्वल टू टू एक्स रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाय एटीन एक्स रेज टू पावर फाइव और फोर एक्स रेज टू पावर फोर तो टू वन टाइम्स टू टू टाइम्स हो जाएगा टू वन टाइम्स टू नाइन टाइम्स हो जाएगा फर्दर जो है अब हमने क्या करना है यहाँ से x की पावर्स जो है कट करनी है इधर x रेज टू पावर फोर है इधर x रेज टू पावर फाइव है तो यहाँ से फोर वाली फाइव से कट हो जाएगी और उसमें से एक रह जाएगी तो d की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक यहाँ से हमारे पास बच गया x रेज टू पावर थ्री और इधर हमारे पास बच गया नाइन एक्स तो d फाइनली जो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी नाइन एक्स रेज टू पावर फोर विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट है जिसमें हमारे पास गिवन है फिफ्टीन ए रेज टू पावर फाइव बी सिक्स टेन ए स्केयर बी फाइव एंड ट्वेंटी वन ए क्यूब बी क्यूब तो ए बी सी गिवन है हमने इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है ठीक है जिसको हम एक्स कंसिडर कर लेंगे तो इसको जो है अब हम फोर्थ प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा फिफ्टीन ए रेज टू पावर फाइव बी सिक्स रेशो टेन ए स्केयर बी फाइव प्रोपोशन ट्वेंटी वन ए क्यूब बी क्यूब रेशो एक्स आ जाएगा अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन ठीक है यहाँ पे लिख लेंगे तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन ए रेस टू पावर फाइव बी रेस टू पावर सिक्स दैट इज इक्वल टू टेन ए स्क्यूब बी फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी वन ए क्यूब बी क्यूब तो ये वाली वैल्यू जो है राइट right साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ से एक्स जो है क्या आएगा टेन ए स्केर बी फाइव मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी वन ए क्यूब बी क्यूब डिवाइडेड बाई फिफ्टीन ए रेस टू पावर फाइव एंड बी रेस टू पावर सिक्स आ जाएगा तो अब जो है हमने क्या करना है कट कर लेना है यहाँ पर थ्री फाइव ज फिफ्टीन एंड थ्री सेवन ज़ार ट्वेंटी वन आ जाएगा अगेन फाइव वन ज फाइव फाइव टू ज़ार टेन तो जो हमारे पास रिमेनिंग है वो लिख लेते हैं यहाँ पर तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू टू सेवन ज फोटीन ए स्क्र बी फाइव मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब ठीक है है को करवा दिया तो इधर जो है, अब हमने क्या करना है ये वाला ए क्यूब ये वाला ए बेसिस सेम है पावर्स को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए रेस टू पावर टू प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू ए रेस टू पावर फाइव ठीक है तो ये वाली वैल्यूज ए रेस टू पावर फाइव से कट हो जाएगा ठीक है अब इधर जो है हमारे पास बी रेस टू पावर सिक्स है इधर बी रेस टू पावर फाइव है और ये हमारे पास बी रेस टू पावर थ्री है इसमें से हमने क्या करना है बी रेस टू पावर फाइव एंड बी रेस टू पावर थ्री को लिख सकते हैं बी रेस टू पावर फाइव प्लस थ्री तो यहाँ से आ जाएगा बी रेस टू पावर एट ठीक है तो यहाँ से हमारे पास जो फर्दर आ जाएगा x इज इक्वल टू फोर्टीन बी रेस टू पावर एट ओवर बी रेस टू पावर सिक्स तो इधर से जो है हमने क्या करना है फोर्टीन ये पावर जब डिवीजन में है ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी बी रेस टू पावर माइनस सिक्स बेसिक सेम है पावर्स ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्टीन बी रेस टू पावर एट माइनस सिक्स तो फाइनली जो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी फोर्टीन बी स्क्र ठीक है फोर्थ पार्ट हमें गिवन है तो इसमें भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फोर्थ प्रोपोर्शन वाले फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स के माइनस एलेवन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर रेशो एक्स माइनस थ्री प्रोपोर्शन फाइव एक्स इज टू पावर फोर माइनस फोर्टी एक्स क्यूब रेशो यहाँ पे हम क्या करते हैं डी ले लेते हैं थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ठीक है तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास है जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आ जाएगा और फर्दर जो है इनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा डी मल्टीप्लाई बाई एक्सर माइनस इलेवन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एंड फाइव एक्स पावर फोर माइनस फोर्टी एक्स क्यूब अब अगर देखें तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगी डिवाइड हो जाएगी ठीक है तो मैं इसे डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं डिवाइडेड एक्स एक्सर माइनस इलेवन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर तो अब जो है हमने क्या करना है यहाँ से जो है एक्स क्यूब को कॉमन ले लेना है ठीक है तो जब यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा फाइव भी हमने यहाँ से कॉमन लेना है तो हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा जी एक्स माइनस थ्री इंटू फाइव एक्स क्यूब रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ से एक्स माइनस एट 58 जा 40 होता है हमारे पास तो यहाँ से आ जाएगा x minus 8 और डीएन में हमारे पास यहाँ से क्या रहेगा जी x square minus 11x plus 24 तो अब जो है अगर हम नीचे वाली वैल्यू की तरफ देखें ये वाली x square minus 11x plus 24 तो ये जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है इसके ऊपर जो है हमने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर लेना है ठीक है तो ये आ जाएगा 24 इसके जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा एट थ्री या ट्वेंटी और दोनों जो है हमने क्या करनी है यहाँ पर माइनस में वैल्यूज ले लेनी है तो इधर से जो हमारे पास फर्दर आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू फाइव एक्स एक्स माइनस एट ओवर एक्सर माइनस थ्री एक्स माइनस एट एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इनमें से जो है अब हमने कॉमन ले लेना है तो मैं यहाँ पर राइट right साइड पे थोड़ा सा जो है कर लेता हूँ उसको ताकि एक स्टेप जो है हमारे पास यहाँ पे सोलूशन में कम हो जाए तो एक्स जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा जी एक्स माइनस थ्री और इधर से माइनस एट कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस थ्री फर्दर कॉमन लेंगे एक्स माइनस थ्री तो हमारे पास बाकी यहाँ से क्या बच गया एक्स माइनस एट रह गया तो इस वाली वैल्यू की जगह हमने क्या करना है ये वाली वैल्यू को पुट करके लिख देना है तो डी जो है हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस थ्री फाइव एक्स क्यूब एक्स माइनस एट डिवाइडेड by एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस एट तो अब अगर देखें तो ये वाला x माइनस थ्री इस वाले x माइनस थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में है और ये वाला x माइनस एट एक्स माइनस एट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी वो क्या है फाइव एक्स क्यूब क्वेश्चन नंबर टू का फिफ्थ पार्ट है जिसमें हमें गिवन है पी क्यू प्लस क्यू क्यू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर एंड पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर तो इसके लिए जो है हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेट करना होगा फोर्थ प्रोपोर्शन लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शन ठीक है तो एक्स जो है हमारे पास यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन है तो इसको प्रोपोर्शन वे में हम लिख लेते हैं बाई प्रोपोर्शन पी क्यू प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर परपोशन पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर रेशो एक्स आ जाएगा अब अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन तो ये हमारे पास एक्सट्रीम है और ये हमारे पास मीन है इनको प्रोडक्ट फॉर्म में इक्वल लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब दैट इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर एंड पी स्केयर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्केयर ठीक है तो अब अगर देखें लेफ्ट साइड पर तो ये वाली वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही है राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगी डिवाइड हो जाएगी ठीक है तो इसको जो है अब हम यहाँ पर डिवीज़न फॉर्म में लिख देते हैं तो ये आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू ये जो है हमारे पास एक फार्मूला है तो फार्मूला इसमें ओपन करके लिख देंगे तो ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू स्क्केर माइनस क्यू स्क् माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र और पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर तो अगर हम यहाँ पर देखें ये भी हमारे पास जो है एक फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला तो इसको भी ओपन करके यहाँ पर ही हम डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि जो कैंसिल होंगी वैल्यूज वो हम कैंसिल करके लिख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा पी प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू मैंने कलर जो है चेंज करके लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कौन सी वैल्यू हमने ओपन की है यहाँ पर तो अब अगर देखें यहाँ पर तो ये वाला पी प्लस क्यू इस वाले पी प्लस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ये वाली वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ से हमारे पास एक्स की जो फाइनली वैल्यू आ जाएगी पी माइनस क्यू तो ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का लास्ट पार्ट है जिसमें हमें डाटा गिवन है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ब्रैकेट पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब एंड पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब तो इसमें भी हमने अगेन लेट कर लेना है लेट एक्स जो है हमारे पास क्या है जी फोर्थ प्रोपोर्शन है ठीक है तो बाई प्रोपोर्शन इसको हम लिखेंगे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर रेशो एंड पी स्केयर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू उसके रेशो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब परपोशन पी क्यू माइनस क्यू क्यूब और जो हमने फोर्थ पर लेट किया है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर x है अब जो है हम यहाँ पे करेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन ठीक हो गया तो फर्दर जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन है तो यहाँ से आ जाएगा जी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर एंड पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर दैट इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू क्यूब एंड पी क्यू माइनस क्यू क्यूब आ जाएगा ये वैल्यू जो है अब हमने राइट right साइड पर शिफ्ट कर देनी है तो वो राइट right साइड पर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी तो फर्दर जो है हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू प्लस क्यू क्यू एंड पी क्यू माइनस क्यू क्यू और ये वाली वैल्यू जो है डिवाइड में लिख देनी है आप पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर एंड पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ठीक हो गया तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाली वैल्यू जो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है तो इसको भी अब हमने क्या करना है यहाँ पर ओपन करके लिख देना है तो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा जी पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है p माइनस क्यू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जी पी क्यू माइनस क्यू क्यूब के इक्वल होता है तो ये लिख देंगे इसकी जगह तो यहाँ से फर्दर एक्स के आ जाएगा इसको जो है हमने ओपन करके लिख देना है तो ये आ जाएगा जी p प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केर इसको एज इट इज लिख देना है ये आ जाएगा जी पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब और डिवीजन में जो है हमारे पास p प्लस क्यू एज इट इज आ जाएगा और इसको जो है हमने क्या करना है क्लोज करके लिख देना है तो क्लोज किस तरह होगा जी ये पी क्यू माइनस क्यू क्यूब बन जाएगा ठीक है तो जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं उनको हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर देना है तो रिमेनिंग जो है हमारे पास यहाँ से क्या रह गया है x इज़ इक्वल टू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर तो यही जो है हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी होप सो आप सब लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियोज़ को लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन फोर पार्ट्स हमें गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा मीन प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ लेते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है इसमें जो है हमारे पास क्या होगा थ्री क्वांटिटीज होंगी ए बी एंड सी ठीक है दैट इज रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी तो बी जो होगा इसमें क्या कहलाएगा मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा ठीक है तो ये भी मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन होगी तो इसका अब हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है ट्वेंटी एंड फोर्टी फाइव ठीक हो गया तो इसमें जो है अब हमने क्या करना है लेट एक्स बी द मीन तो बाय प्रोपोर्शन हम क्या लिखेंगे इसे ट्वेंटी एक्स एंड फोर्टी फाइव तो इसको प्रोपोर्शन मेथड में अब हम, हम लिख लेते हैं तो वो हमारे पास फर्दर आ जाएगा ट्वेंटी रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो फोर्टी फाइव अगेन हमने यहाँ पे क्या करना होगा जी प्रोडक्ट ऑफ मीन दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ठीक हो गया ये मेथड हम पीछे भी कर चुके हैं तो ये वाला आपने जो है कर लेना है तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा ये वाला होगा और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है हमारे पास वो ये वाला है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाइब एक्स दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी मल्टीप्लाइब है तो एक्सर दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी मल्टीप्लाइब तो ये हमारे पास नाइन हंड्रेड बन जाएगा ठीक है तो बोथ साइड जो है अब हमने क्या करना है स्केर रूट अप्लाई कर देना है तो ये हमारे पास फर्दर जो वैल्यू आ जाएगी एक्सकेयर स्केयर रूट एंड आप जो है यहाँ पर नाइन हंड्रेड को लिख सकते हैं थर्टी स्केयर ठीक है तो ये हो जाएगा थर्टी स्केयर और यहाँ पे हमने क्या करना है इसका स्केयर रूट ले लेना है अब जो है ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी प्लस माइनस थर्टी तो ये यह हमने यहाँ से जो है मीन फाइंड आउट कर लिया सेकेंड पार्ट जो हमारे पास वैल्यू है उसके अंदर ट्वेंटी एक्स क्यूब वायर इस फाइव एंड फाइव एक्स रे स्टू पावर सेवन वाई तो इसमें भी हमने अगेन जो है लेट कर लेना है लेट एम बी दिन प्रपोशनल ठीक है एम क्या है हमारे पास यहाँ पर मेन प्रपोशनल है तो इसको जो है हम यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रपोशन ट्वेंटी एक्स क्यू वाई रेस टू पावर फाइव रेशो एम प्रोपोर्शन एम रेशो फाइव एक्स रेज टू पावर सेवन वाई तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन तो यहाँ पे ये हमारे पास मीन आ गया और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनको मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये एम स्केयर और इधर जो है हमारे पास रह जाएगा जी ट्वेंटी एक्स क्यू वाई रेस टू पावर फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू पावर सेवन एंड वाई आ जाएगा अब जो है हमने जो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स गिवन है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है तो ट्वेंटी को फाइव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 एक्स रेस टू पावर ये सेवन और थ्री हमारे पास क्या हो जाएगा टेन एंड वाई रेस टू पावर हमारे पास क्या बन जाएगा सिक्स दैट इज़ इक्वल टू एम स्केयर अब हमने क्या करना है अब हमने बोथ साइड जो है इसके रूट अप्लाई कर देना है तो ये फर्दर हमारे पास आ जाएगा जी हंड्रेड एक्स रेज टू पावर टेन वाई रेज टू पावर सिक्स स्केयर रूट दैट इज इक्वल टू एम स्केयर एंड स्केयर रूट आ जाएगा अब इधर से तो हमारे पास स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा बट इन लेफ्ट साइड हमने क्या करना है हंड्रेड एक्स और वाई पर अलग अलग स्केयर रूट अप्लाई कर देना है तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन स्केयर स्केयर रूट एक्स रेज टू पावर टेन स्केयर रूट और y रेज टू पावर सिक्स एंड स्केयर रूट दैट इज इक्वल टू m तो अब जो है यहाँ से देखें तो हम इसको टेन स्केयर है तो स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से तो ये जो है हमारे पास कट हो जाएगा यहाँ से हमारे पास टेन रह गया अब एक्स रेस टू पावर टेन है root की जो value होती है, वो हमारे पास क्या होती है और और इसी तरह y raise to power 6 और इसकी power हमने क्या कर है अब ये तो यहाँ से जो हमारे पास फाइनली एम की वैल्यू आ जाएगी वो क्या है जी टेन एक्स रेस टू पावर फाइव एंड वाई रेस टू पावर थ्री ये वैल्यू जो है हमारे पास प्लस माइनस में आ जाएगी विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका तो इसमें भी हमने क्या करना है अगेन लेट कर लेना है लेट एक्स बी द मेन प्रोपोर्शनल ठीक है तो फर्दर हमारे पास बाय प्रोपोर्शन हम इसको लिखेंगे यहाँ पर फिफ्टीन पी रेस टू पावर फोर क्यू आर क्यूब रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो वन थर्टी फाइव क्यू रेज टू पावर सेवन एंड आर रेज टू पावर फाइव आ जाएगा अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ठीक है तो ये हमारे पास मीन है और ये जो है हमारे पास क्या है एक्सट्रीम है इनको आपने अब मल्टीप्लाई करवा कर लिखने लाए तो ये फर्दर आ जाएगा जी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन पी रेज टू पावर फोर क्यू आर क्यू मल्टीप्लाई बाय वन थर्टी फाइव क्यू रेज टू पावर सेवन आर रेज टू पावर फाइव आ जाएगा तो यहाँ से अब देखें तो x एकस x से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एक्स केयर बन जाएगा ठीक है फिफ्टीन को जो है अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है वन थर्टी फाइव के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव पी रेज टू पावर फोर अब ये क्यू रेस टू पावर वन है और ये सेवन है बेसिस सेम हो तो आपको पता है पावर्स को हमने ऐड करना होता है तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्यू रेज टू पावर क्या आ जाएगा एट और इसी तरह यहाँ आर क्यूब है और ये आर एस टू तो पावर फाइव है तो ये हमारे पास आर एस टू तो पावर क्या बन जाएगा एट बन जाएगा अब जो है हमने क्या करना है स्केयर को खत्म करने के लिए बहुत साइड स्केयर रूट अप्लाई कर देना है तो यहाँ से आ जाएगा जी एक्स स्केर स्केयर रूट दैट इज इक्वल टू टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव पी रेज टू पावर फोर क्यू रेस टू तो पावर एट आर टू तो पावर एट, स्केयर रूट अब ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अब टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव को जब हम स्केयर में लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा फोर्टी फाइव स्केयर ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे जी ये फोर्टी फाइव स्केयर स्केयर रूट एंड पी रेस टू पावर फोर होल पावर वन बाई टू एंड क्यू रेस टू पावर एट पावर वन बाई टू एंड आर इज टू पावर एट पावर वन बाई टू हमने क्या किया अलग अलग जो है हमने उस पर स्केयर रूट अप्लाई कर दिया और पी क्यू आर पर जो है हमने वन बाई टू उसकी वैल्यू से ले लिया तो यहाँ पर देखें तो ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसल टू वन टाइम्स टू टू टाइम्स टू वन टाइम्स टू फोर टाइम्स टू वन टाइम्स टू फोर टाइम्स तो यहाँ से जो फाइनली हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी प्लस माइनस फोर्टी फाइव पीस केयर क्यूरेज टू पावर फोर एंड आर रेज टू पावर फोर यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा इसका जो लास्ट पार्ट है वो जो है आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है ठीक है तो आप लोग जो है उसको लाजमी ट्राई कीजिएगा अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मैं जो है उसकी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप लोग वहाँ से वो देख लीजिएगा अगर इसमें किसी क्वेश्चन की संबंध नहीं आई तो आप लोग वीडियो को वहाँ से रिपीट करके देख लें और अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर जो कि लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रमोशन तो ये जो है हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है इसके अंदर जो है हमारे पास एक लेटर इन्वॉल्व होता है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ठीक है तो कोई भी मुश्किल सा इसमें नहीं है बिल्कुल easy से क्वेश्चन है ये कंटिन्यूड में परेशान होने वाली बात नहीं है सिंपल सा मेथड है तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसमें हमने करना क्या है फाइव तो पी एंड फोर्टी फाइव तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा ये हमारे पास फाइव रेशो पी प्रपोशन पी रेशो फोर्टी फाइव आपने क्या करना है जो हमारे पास लेटर इन्वॉल्व होगा उसको आपने मीन में ले लेना है जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लेंगे ठीक है तो ये हमारे पास आ जाएगा मीन और ये हमारे पास आ जाएगा एक्सट्रीम तो ये पी मल्टीप्लाई बाय पी डेट इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाय फोटी फाइव तो फर्दर जो है हमारे पास हो जाएगा पी स्केयर दैट इज इक्वल टू फाइव को हमने क्या करना है फोर्टी फाइव के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा टू ट्वेंटी फाइव अब स्केयर को खत्म करने के लिए हमने क्या करना होता है हमेशा बहुत साइड स्केयर रूट अप्लाई करना है तो वो यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा तो यहां पे आ जाएगा जी पी स्केयर स्केयर रूट दैट इज इक्वल टू टू ट्वेंटी फाइव स्केयर रूट फर्दर जो है फर्दर जो है यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जी पी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस टू ट्वेंटी फाइव को हम लिख सकते हैं जी फिफ्टीन स्केयर स्केयर रूट और ये स्केर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से जो हमारे पास लेटर पी है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 15 आ जाएगी यही हमारे पास आंसर है इसके बाद सेकंड पार्ट है 8x18 एट एक्स एंड एटीन तो इसको जो है अब हमने सेम वे से सॉल्व करना है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे एट रेशो एक्स प्रोपोशन एक्स रेशो एटीन आ जाएगा अब फर्दर हमने यहाँ पे क्या करना है जी प्रोडक्ट ऑफ मीन दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लेंगे हम लोग यहाँ से तो ये हमारे पास फर्दर आपने जो ये लिखना होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये आपने फुल वर्ड्स में लिखना होगा मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ठीक हो गया ना तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा मीन और ये हमारे पास क्या है जी एक्सट्रीम तो ये हो जाएगा जी एक्स स्केयर दैट इज़ इक्वल टू एट मल्टीप्लाई बाई एटीन तो यहाँ से जो है एट को एटीन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा जी वन फोर्टी फोर तो एक्स स्केयर वन फोर्टी फोर स्केयर रूट लेंगे बोथ साइड स्केयर को ख़त्म करने के लिए तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट हो जाएगा तो ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल तो यहां से जो हमारे पास लेटर की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी प्लस माइनस ट्वेल्व आ जाएगी ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जिसमें हमें गिवन है ट्वेल्व थ्री पाई थ्री पी माइनस ट्वेल्व थ्री पी माइनस सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पर जो है इसको हम बाय प्रोपोर्शन लिख लेंगे ट्वेल्व रेशो थ्री पी माइनस सिक्स प्रपोशन थ्री पी माइनस सिक्स रेशो ट्वेंटी सेवन तो जो लेटर इन्वॉल्व है उसको हमने टू टाइम लिख लेना है और बाकी जो ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन है उसको एक्सट्रीम वाली साइड पर लिख लेना है तो अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी प्रोडक्ट Of mean that is equal to product of extreme. ठीक है तो ये हमारे पास आ जाएगा जी थ्री पी माइनस सिक्स मल्टीप्लाई वाई थ्री पी माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई ट्वेल्व हो जाएगा अब इधर ये जो बेसिस सेम है तो पावर्स को हमने ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा थ्री पी माइनस सिक्स स्केयर हो जाएगा ठीक है और ट्वेंटी सेवन को जब हमने ट्वेल्व के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो वो हमारे पास आ जाएगा थ्री ट्वेंटी फोर अब हमने स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा बोथ साइड जो है स्केयर रूट अप्लाई कर देना है तो मैं इसी स्टेप में यहाँ पर स्केयर रूट अप्लाई कर देता हूँ तो ये वाला स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से जो है हमारे पास क्या बच गया थ्री पी माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू अब थ्री ट्वेंटी फोर है तो इसका जब हम स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा एटीन स्केयर स्केयर रूट तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से जो है हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी थ्री पी माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एटीन तो अब जो है इसके हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ वो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग थ्री पी माइनस सिक्स डेट इज इक्वल टू एटीन एंड थ्री पी माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एटीन आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा जी थ्री पी डेट इज इक्वल टू एटीन प्लस सिक्स तो पी यहाँ से आ जाएगा ट्वेंटी फोर ओवर थ्री तो p की फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वहां से क्या आ जाएगी एट आ जाएगी थ्री एट ट्वेंटी फोर तो यहाँ से जो है थ्री पी दैट इज इक्वल टू एटीन प्लस सिक्स हो जाएगा फर्दर यहाँ से आ जाएगा जी थ्री पी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व तो P की जो फाइनली यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगी? Minus 4 आ जाएगी माइनस फोर आ जाएगी ठीक है तो यही हमने यहाँ से लेटर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी विच आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जिसमें हमें डाटा गिवन है इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं सेम मेथड से तो बाय प्रपोर्शन हम इसको लिख सकते हैं डि सेवन रेशो एम माइनस थ्री परपोर्शन एम माइनस थ्री रेशो ट्वेंटी एट आ जाएगा अब हमने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लेना है तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो ये आ जाएगा जी एम माइनस थ्री होल स्केयर दैट इज इक्वल टू से मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी एट तो सेवन को ट्वेंटी एट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो जो हमारे पास आ जाएगा वन नाइनटी सिक्स अब हमने क्या करना है स्केयर को ख़त्म करना है तो बोथ साइड स्केयर रूट अप्लाई कर देंगे तो मैं इसी स्टेप में इसके रूट अप्लाई कर देता हूँ ये वाला स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो फर्दर यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी एम माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अब 196 है तो इसका स्केयर बनाना है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 14 स्केयर स्केयर रूट ठीक है तो स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां से आ जाएंगी हमारे पास दो वैल्यूज एक प्लस फोर्टीन के साथ और एक माइनस फोर्टीन के साथ क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू बन रही है एम माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर्टीन जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है इसी का वैसे ही सेम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे आ जाएगा जी एम माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू फोर्टीन एंड सेकेंड केस आ जाएगा एम माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन तो यहाँ से आ जाएगा जी एम इज इक्वल टू फोर्टीन प्लस थ्री तो एम की यहाँ से फाइनली वैल्यू आ जाएगी सेवनटीन एक एम की ये वैल्यू आ जाएगी और इसी तरह एम इज़ इक्वल टू माइनस फोर्टीन प्लस थ्री हो जाएगा तो फाइनली यहाँ से दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस अलेवन आ जाएगी तो होप सो आप सब लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है या कोई समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं आप लोगों को विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर उसका आंसर दे दिया जाएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़